हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्लो फ्लेम रेसिपीज़ में। आज हम नमकीन बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा ले रही हूँ मैं। अगर आप सिर्फ मैदे से बनाना चाहते हैं तो फिर आप मैदे से भी बना सकते हैं, मैं इसे थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे और थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें मोइन मिलाएंगे। मोइन इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून मिला देंगे। मोइन अब हमारा मिल गया है। अब हम इसे आटे में फैलाएंगे। आटे में हमें इसे तब तक फैलाना है जब तक कि इसका एक मुट्ठी के तरह ना बन जाए आटे का। इसका मुट्ठी बन रहा है अब, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोइन है वो अच्छे से आटे में फैल गया है। अब हम इसका एक डो बनाएंगे। जिस कप से मैंने आटा लिया था उसी कप से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और इसका जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ा सख्त बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मुलायम हमें इसका डो नहीं बनाना है। ये देखिए, इसका एक टाइट डो बन गया है और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है, सारा पानी यूज नहीं हुआ है। आटा अब हमारा मिल गया है और अब हम इसकी एक लोई लेंगे, फिर इसे एक रोटी की तरह बनाएंगे हम। रोटी जो होगा हमारा वो ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और ये लगभग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। हमें चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के बेल लेना है कि चारों तरफ से अच्छे से ये फैल जाए। अब हम इसे चाकू या चम्मच से लंबाई में कट करेंगे। आप इसे रफली चॉप भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसे एकदम एक साइज में काटना है। कैसे भी आप इसे काट सकते हैं। अगर आप इसे लंबा रखना चाहते हैं तो फिर लंबाई में भी कट कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में बनाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं। ऐसे ही हमें फिर से चकले को घुमाना है और फिर से लंबाई में कट कर देना है। ये अब हमारा हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे नमकीन को कट कर लेना है। इसे बनाने में तो बहुत ही मजा आता है और आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। जो भी घर पे हमारे घर पे होता है वो उन्हीं चीजों से बनता है। इसी तरह से हमें सारे नमकीन को बना लेना है। जो है हमारा सारा नमकीन कट हो गया है। अभी ये पूरा एक दूसरे में चिपक गया है, इसमें बहुत दोस्ती हो गई है। अभी ये जैसे ही थोड़े गरम तेल में जाता है इसकी दोस्ती टूट जाती है, ये एक दूसरे को छोड़ देता है। ये देखिए, ये एक दूसरे से अलग हो गया। और जब हम डीप फ्राई करेंगे तो फिर हमारा फ्लेम जो है वो स्लो रहेगा, और अगर ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तो फिर लास्ट में हल्का सा गैस को मीडियम रखेंगे। इसी तरह से हमें मिलाते हुए उलटते पलटते हुए इसे फ्राई करना है। अब ये हो गया है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से पक गया है
और अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी एकदम क्रंची नमकीन तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।